नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते, वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, ये धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूँ, कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा कर रही है। बीजेपी साजिश के तहत पिछड़ों दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है। इसी रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी विभागों में जो नौकरियां और भर्तियां निकलती हैं उनमें भी पिछड़ों और दलितों की कोई न कोई कारण बढ़ता कर भर्ती नहीं की जा रही है। अखिलेश ने सोमवार को कहा कि सामाजिक न्याय की विरोध भाजपा हर कदम पर करती है और दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है। पिछले दिनों लखनऊ पीजीआई में आरक्षण के नियमों को दरकिनार कर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को रिक्त छोड़ दिया गया। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की गई। वहीं एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव तीसरी बार स्थगित होने से आम आदमी पार्टी नेताओं में सख्त नाराजगी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल की घटना के बाद से बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में लिखा कि अब बीजेपी को हर मोर्चे पर करारा जवाब देंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को उनका हक दिलाने के लिए सड़क, सदन, अदालत तीनों मोर्चे पर एक साथ बीजेपी को मात देने का काम करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए मंगलवार सुबह के ट्वीट में कहा कि एमसीडी चुनाव हारने के 2 महीने बाद भी बीजेपी दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही, यह दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर का चुनाव नहीं होने देने की रणनीति पहले से बनाकर एमसीडी पहुंचे थे। केंद्र ने गलत तरीके से एमसीडी पर कब्जा किया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को सड़क, सदन, अदालत में एक साथ लड़ाई लड़ेगी। वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो वाराणसी के अति व्यस्त नई सड़क गोदौलिया मार्ग का है। यहाँ पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब एक व्यक्ति सड़क पर बह रहे पानी और उसकी वजह से बने गड्ढे में लेटकर अपना विरोध दर्ज कराने लगा। ये व्यक्ति पूर्व पार्षद है जिन्हें गड्ढे में लेटा देखकर अगल बगल से जाने वाले लोग बेहद आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे। बताया जा रहा है कि वाराणसी की नई सड़क पर बह रहे पानी के विरोध में लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर पूर्व पार्षद शाहिद अली खान उर्फ मुन्ना ने लेटकर धरना दिया। पूर्व पार्षद ने सड़क पर बह रहे पानी के कारण हुए गड्ढे में बकायदा लेटकर धरना दिया। लोगों का आरोप है कि कई दिनों से सड़क पर पानी बह रहा है, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग में होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल में गिने जाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी आज 7 फेरे लेंगे। सिड कियारा का प्यार आज शादी के बंधन में बनने जा रहा है। फिल्म शेरशाह की ये अधूरी प्रेम कहानी रियल लाइफ में पूरी होने जा रही है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश है। ये खूबसूरत पल जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी के बंधन में बनने जा रहा है। ये कपल कल संगीत सेरेमनी में पूरे पैलेस को गुलाबी रंग से सजाया गया था। फैंस को अब दोनों की शादी की तस्वीरों का इंतजार है। सिद्धार्थ कियारा का प्यार फिल्म शेरशाह के दौरान परवान चढ़ा था। समय के साथ ये रिश्ता पक्का हो गया और अब दोनों जन्मों जन्म के बंधन में बनने जा रहे हैं। ये कपल जैसलमेर के आलिशान पैलेस में
शादी करने जा रहा है। वहीं बुलंदशहर में वकील की गिरफ्तारी को लेकर कचहरी में जमकर हंगामा हुआ। घरेलू मामले में एक ही दिन में एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर वकीलों ने बवाल काटा है। वकीलों का आरोप है कि बिना मेडिकल और मीडिएशन के वकील की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। इस मामले में पुलिस पर अधिवक्ताओं ने दूसरे पक्ष से साठगांठ करने का आरोप भी लगाया है। एक वकील साहब हैं साहिब आलम, उनके भाई की पत्नी ने एक मुकदमा लिखाया है और आज ही मुकदमा लिखाया गया और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई बिना मेडिकल बिना मीडिएशन कराए। जबकि माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अगर 498 का कोई मुकदमा दर्ज होता है उस मुकदमे में पहले मीडिएशन होगा और मीडिएशन को दोनों पार्टियों को नोटिस दिया जाता है, तब वो दोनों पार्टी मीडिएशन सेंटर आती हैं। उसके बाद जब मीडिएशन सेंटर में समझौता की बात होती है तो समझौता होगा, नहीं होती तो अब उसमें अगली कार्रवाई होती है। आज ही मुकदमा दर्ज हुआ है, आज ही उसमें गिरफ्तारी हो गई बिना मेडिकल के, उसमें वकील साहब को पकड़ के लेकर आए तो आज उस नए बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट ने भी जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराया है। गैंगस्टर गोकस मकसूद पर 14(1) के तहत हुई कुर्की की कार्रवाई को कोर्ट की तरफ से सही ठहराया गया है। दरअसल गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के जरिए कुर्की की गई संपत्ति को बचाने के लिए गुलावटी के पीर खान निवासी मकसूद ने गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में अपील की थी। अपील में गोकस ने प्रशासन की तरफ से कुर्क की गई करीब 9,18,000 की संपत्ति को अपने पिता की संपत्ति होना दर्शाया था, लेकिन मकसूद कोर्ट में कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं कर पाया जिससे ये साबित हो सके कि संपत्ति अवैध धंधों से अर्जित नहीं की गई है। इसलिए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम बुलंदशहर ने डीएम की तरफ से पारित कुर्की के आदेश को की पुष्टि करते हुए कार्रवाई को सही ठहराया। थाना है हमारा, उसमें एक मिस्टर मकसूद थे जो गौकसी के अनेक मुकदमों में वांछित थे और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था। संपत्ति उनकी जितनी भी थी अपराध के बाद की थी, एक मकान था लगभग 9,18,000 रुपए का, उसकी कुर्की के लिए 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत मेरे न्यायालय में आया था। समस्त साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, पूरी जाँच पड़ताल कराने के बाद मैंने ये पाया था कि ये मकान जो है अपराध करने के बाद जो संपत्ति उसने अर्जित की थी उससे खरीदा गया था, उसको हमने फिर कुर्क किया था। पूरा प्रकरण न्यायालय में गया, गैंगस्टर न्यायालय में गया, उन्होंने भी माननीय जज साहब ने भी उसको पूरा विवेचना किया और ये पाया कि वास्तव में ये उसके द्वारा अपराध करके जो धन अर्जित किया गया उससे ये संपत्ति बनाई गई है और जो डीएम ने कुर्की का आदेश किया है वो सही किया है और एक तरीके से ये सरकार के जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जीरो करप्शन और जीरो क्राइम, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और भी चूंकि जिले में काफ़ी गैंगस्टर्स हैं जिनकी परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं, इसमें गुलावटी थाना है हमारा, उसमें खबर यूपी के सोनभद्र से है जहां जल शक्ति और सिंचाई कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को अमवार में बन रहे कन्हर सिंचाई परियोजना का दौरा किया। परियोजना के बाई रॉकफिल पर पहुंचे मंत्री रॉकफिल में प्रयोग किए जा रहे बोल्डर और रेत के प्रयोग किए जाने के एग्रीमेंट और परियोजना में कार्य कर रहे मजदूरों की रिपोर्ट तलब की, लेकिन अधिकारियों ने ना तो एग्रीमेंट पेपर मौके पर दिखाया और ना ही संतोषजनक जवाब देते दिखे। इसके बाद मंत्री बांध के पानी के ठहराव के कैचमेंट एरिया देखने के लिए दाई रॉकफील्ड पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था की तरफ से पेटीदारों से कमीशन लेकर कार्य कराने की शिकायत इस दौरान मंत्री से की। और दूसरी बात क्या है कि जो पिछली सरकारों ने काम किया थोड़ा काम नहीं बन पा रहा था, आदरणीय मोदी जी योगी जी के आने के बाद एक काम फिर से पुनः शुरू हुआ है, क्योंकि खेत तक पानी पहुंचाना है, वह 2,00,000 परिवारों को भी यहां से पानी हमें देना है पीने के लिए शुद्ध पानी, और ये परियोजना सालों से लटकी हुई है। हमें लगता है कि कितने साल हो गए होंगे, 1976 से परियोजना चल रही थी,
लेकिन दोबारा परियोजना ये 2014 में शुरू हुई जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो ये परियोजना स्पीड पकड़ी है। अब जून तक ये परियोजना पूर्ण होने की संभावना दिख रही है और 100% पूर्ण हो जाएगी। सिंचाई की भी सुविधा हो जाएगी खेत के में लोगों को, और 2 लाख परिवारों में यहाँ से पानी भी लोगों को पहुँचने लगेगा। और कल्पना करो, जो महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाती हैं, उनके परिवार को दुख को दर्द उस दर्द को हरने के लिए आदरणीय मोदी जी की है महत्वाकांक्षी योजना है और विश्व की सबसे बड़ी योजना है। माननीय मंत्री जी, आयुष्मान कार्ड के बाद ये भी योजना है। और वही हमीरपुर जिले के लोदेपुर निवादा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को इन दिनों मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो छात्रों के भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि मशरूम की खेती मात्र एक छोटे से खर्च से शुरू की जा सकती है। इसमें सामग्री, कीटनाशक, पानी, भूसा और बीज और कुछ अन्य दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चीजों की आवश्यकता होती है। पैकेट में लमसम 10 रुपए लागत लगी है और हमने पहले सर्वप्रथम पहले भूसे को उपचारित किया, जिसमें हमने 5 ग्राम फंजीसाइड, 25 ml इमिडाक्लोटोविर कीटनाशक दवा और 250 ml फॉर्मोल्डिहाइड डाली है, जिसमें हमें मशरूम में डिंगरी मशरूम एस्टक में जिसको सुजर काजू मशरूम है प्रजाति जिसकी, और ये हम अपने मिड डे मील में करेंगे इसका उपचार। और ये लमसम 20-30 सेल्सियस में हम इसको करते हैं, 26-30 सेल्सियस। मैं अपने स्कूल के बच्चों को एक स्किल देने के उद्देश्य से, एक हाथ में निपुण हो, उनके पास एक कला हो, इस उद्देश्य से मैंने उनको मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में सिखाया और बच्चे दक्ष हो गए। मुझे इस बात की खुशी है, बच्चों ने ही इसका उत्पादन किया है। इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि बच्चों ने बताया कि 100 लीटर पानी लेते हैं, 20 किलो भूसा लेते हैं, इसके बाद उसमें 5 ग्राम फंजीसाइड डालेंगे, फंजीसाइड के अलावा इमिडाक्लोटोविर डालते हैं जो कि कीटनाशक है, और इसके अलावा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। इसके बाद इसको उपचारित करने के लिए 24 घंटे के लिए रख देते हैं बंद करके, 24 घंटे बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भूसा जब देख लेते हैं पाम टेस्ट करके कि भूसा इस लायक हो गया, भरने लायक हो गया पैकेटों में, तो पैकेटों को कॉर्नर काट कर लेयर वाइज भरते हैं, 3-3 इंच की लगभग लेयर रहती है। इसके बाद बीज डाला जाता है, फिर 3 इंच की लेयर, इस तरह करके बीज बंद कर देते हैं। मैं अपने स्कूल के बच्चों को एक स्किल देने के उद्देश्य से, एक हाथ में निपुण हो, उनके वहीं जालौन पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी को शातिर चोरों ने 11 लाख रुपए कीमत की सौर ऊर्जा प्लेट सोलर पावर प्लांट से चोरी की थी, जिसके बाद आटा थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 100% माल की बरामदगी की और 11 लाख रुपए कीमत की 36 सोलर प्लेटें बरामद की। वहीं पकड़े गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। में ग्राम परासन में सोलर प्लांट्स का निर्माण हो रहा है, 2 कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा 5 फरवरी को सूचना दी गई कि उनकी कुछ सोलर पावर प्लेट्स चोरी हो गई हैं। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा लिखा गया थाना आटा में। थाना आटा पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया, 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो पावर प्लेट्स चोरी हुई थी उनकी 100% बरामदगी हुई है, 36 पावर प्लेट्स थी वो बरामद हो गई हैं। इन पावर प्लेट्स की कीमत मार्केट में करीब करीब 11 लाख रुपया है। जो गैंग था वो पूरा का पूरा पकड़ा गया है। ये गैंग करता ये था कि वे 16 पावर प्लेट्स को चोरी करके जंगल में छिपा लेता था बेहड़ में, और बाद में एक कबाड़ी के थ्रू वो वही मिर्जापुर में जिला मुख्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किए जाने से नाराज सपा नेता दामोदर प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ शहर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव का पुतला दहन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर सौंपी। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की। सोमवार को मिर्जापुर विकास समिति ने कलेक्ट्रेट में सपा नेता का पुतला दहन किया था।
और माननीय स्वामी शाह मौर्य पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी का कुछ लोगों ने आज कचहरी परिसर में पुतला दहन किया। उस संदर्भ में और पूरे प्रदेश में जितने भी साधु संत महंत अपने आप को बताते हैं, जितने लोगों ने श्री स्वामी शरद मौर्य जी के कत्लेआम नाक कान काटने 21 लाख इनाम देने के जितने लोगों ने। खबर रायबरेली से है जहां डलमऊ थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बुजुर्ग अपनी पेंशन लेने के लिए पहुंचे थे। काउंटर से पैसा लेने के बाद खराब नोट को बदलने के लिए वो लाइन में लगे हुए थे, तभी किसी अज्ञात युवक ने बुजुर्ग के जेब से 14,000 नकदी निकाल लिए। रुपए के गायब होने की जानकारी बुजुर्ग ने तुरंत बैंक में तैनात शाखा प्रबंधक को दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बुजुर्ग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। शिक्षा के मंदिर में चल रहे काले कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीएसटी की चोरी करते हुए कुछ लोगों का इंटर कॉलेज में गुटखा बेचने का काम चल रहा था। 1 फरवरी को पुलिस ने इस मामले में फूड इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त छापेमारी कर 135 बोरी पान पराग मसाला बरामद किया था, जबकि स्कूल प्रबंधक मौके से फरार हो गया था। लेकिन अब पुलिस ने इस कारोबार में शामिल एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि स्कूल प्रबंधक सहित 6 लोग इस मामले में शामिल थे। आकाश में आया उसको विदित कराने हेतु ये पीसी हम कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त जिनका नाम है मुकेश कुमार झा, जो छत्तीसगढ़ निवासी है, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और विवेचना क्रम में और भी कुछ बातें जो हमारे सामने आए हैं कि एक 6 लोग हैं अब तक जो प्रकाश में आया है, जिनका इसमें सम्मिलितता प्रथम दृष्टया पाई जा रही है, वो है जो गुरुकुल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रबंधक और एक विवेक तिवारी उर्फ कल्लू। वह सीतापुर के 888,000 ईशु की तपोस्थली मिश्रिक नैमिषारण्य में चल रहे पर्यटन विभाग की तरफ से कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ मिश्रिक के तहसील सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। नैमिष के विकास को लेकर मैप के जरिए सारी जानकारी दी गई। पर्यटन मंत्री ने इस दौरान बताया कि काशी अयोध्या की तर्ज पर नैमिष का विकास किया जाएगा। यहाँ पर विकास को लेकर जितना पैसा खर्च होगा सरकार करेगी। वहीं दधी कुंड तीर्थ में जल निकासी को लेकर पर्यटन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तीर्थ के जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए और स्वच्छ जल भरवाया जाए, जिससे आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हमने नैमिषारण्य के विकास के लिए एक मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन हुआ, आप सबने देखा, अधिकारियों ने देखा, हमारे माननीय जनपदियों ने देखा और देखने के बाद पूरे आम लोगों ने भी देखा और उसके बाद तमाम आम लोगों के माननीय जनपदियों के हमारे प्रशासन के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझाव को उसमें समाहित करते हुए इसको हम लोग अंतिम स्वरूप देने का काम करेंगे। नैमिषारण्य को भव्यता दिव्यता दिलाने का काम करेंगे। पैसा उत्तर प्रदेश सरकार कोई यहाँ के लिए कमी नहीं आने देगी। बिजनौर के LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखा गया, जहां उन्होंने शेयर मार्केट में भ्रष्टाचार और लगातार शेयर में गिरावट को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता मुनीश त्यागी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने चाहने वालों को 7% पैसा देने का काम किया है। खेल के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं वही कहूंगा वो खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत बढ़िया। जिस तरह से मोदी जी ने अपने चाहने वालों को 60-70% पैसा देने का काम किया है और वो उनके शेयर आज 50% से ज्यादा गिर चुके हैं, इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं मोदी जी को। और अगर जिस हिसाब से राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर तमाम दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करा है, दसियों लाख की भीड़ लेके साथ में चले हैं, आने वाले इस देश का भविष्य है
और इस मामले को उजागर राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दिया था कि जिस अपने चाहने वाले को ये इतना माल लुटाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, ये एक दिन देश छोड़ के ना भाग जाए। और हमें शंका है कि कहीं अडानी जी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।